दोस्तों नमस्कार। आज किस वीडियो में हम आपको मिथुन चक्रवर्ती जी की एक म्यूजिकल ड्रामा मूवी का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है मेरे सजना साथ निभाना। दोस्तों ये मूवी 7 फरवरी 1992 को आई थी। इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया, प्रेम चोपड़ा, कुलभूषण खरबंदा, टीनू आनंद, निरूपा रॉय, शक्ति कपूर और शिवा रिंधानी जी। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजेश वकील जी ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया था केसी बोकड़िया जी ने। इस मूवी की स्टोरी लिखी थी एमएस मधु जी ने। इस मूवी के डायलॉग्स लिखे थे महबूब सरवार जी ने। इस मूवी को म्यूजिक दिया था आनंद मिलन जी ने और इस मूवी के गीतों को लिखा था समीर जी ने। तो दोस्तों अब हम आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों कन्हैया यानी कि मिथुन चक्रवर्ती जी अपनी माँ के साथ भारत के एक छोटे से गांव में रहते हैं और भोला यानी कि शक्ति कपूर जी के साथ एक समुदाय में शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिसे उनकी माँ ने घर और आश्रय देने की पेशकश की थी। किसी मेले में खो गए थे। समुदाय के शक्तिशाली ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी चंचल यानी शांति प्रिया जी को कन्हैया से प्यार हो जाता है और वह उसे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की माँ उसके पास जाती हैं लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। इस पिटाई के परिणाम स्वरूप कन्हैया की माँ की मृत्यु हो जाती है, जिससे वह अभिमानी ठाकुर द्वारा उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। जब ठाकुर को पता चलता है कि ये उसकी बेटी थी जिसने उस शादी का प्रस्ताव रखा था, तो वह कन्हैया से माफ़ी मांगता है लेकिन अपनी बेटी की शादी कहीं और कर देता है। तभी कन्हैया की मुलाकात एक युवा महिला जानकी यानी कि जूही चावला जी से होती है, जो अपने गुरुदयाल के साथ रहती है, जो एक अन्य ठाकुर प्रताप सिंह के लिए काम करती हैं। कन्हैया और जानकी प्यार में पड़ जाते हैं और शादी करना चाहते हैं। एकमात्र समस्या यह है कि प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और किसी को भी उसके पास आने नहीं देगा। उससे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। और इस मूवी की आगे की स्टोरी क्या होने वाली है यह आप फिल्म देखकर पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस मूवी ने पहले दिन में 7 लाख की कमाई की थी और एक सप्ताह में 45 लाख रुपये की कमाई की थी और इंडिया में 68 लाख रुपये की कमाई की थी। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो इसने पूरे वर्ल्ड में 1.05 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये मूवी डिजास्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे सजना साथ निभाना मूवी के कुछ नॉन फैक्ट के बारे में। नंबर एक, इस फिल्म का टाइटल पहले सजना साथ निभाना रखा गया था लेकिन इस फिल्म का टाइटल सही से रजिस्टर नहीं हो पाया था, इसीलिए बाद में इसके टाइटल को बदल कर मेरे सजना साथ निभाना कर दिया गया था। नंबर दो, ये फिल्म 1990 में आई तमिल फिल्म किज हैकू बसल की हिंदी रीमेक थी। नंबर तीन, ये फिल्म जूही चावला और मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ में दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने एक साथ में शानदार फिल्म में काम किया था जो 1990 में रिलीज हुई थी। मेरे सजना साथ निभाना फिल्म के बाद दोनों ने परमात्मा फिल्म में भी काम किया था जो 1994 में रिलीज हुई थी। नंबर चार, ये फिल्म बॉलीवुड के रेयर फिल्मों में से एक है। ये फिल्म थिएटर में तो नहीं चल पाई थी लेकिन बाद में इस फिल्म को VHS, VCD और DVD में काफ़ी पसंद किया गया था। नंबर पाँच, ये फिल्म शांति प्रिया की दूसरी हिंदी फिल्म थी। हालांकि शांति प्रिया जी इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी लेकिन कुछ कारण से ये फिल्म डिले हो गई थी। फिर उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू सौगंध फिल्म से किया था जो 1991 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार मूवी है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।